तो गाइस थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बनाने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल या फिर ब्रांड बिजनेस के लिए एक प्रोफेशनल सा लोगो, वो भी अपने मोबाइल फोन की मदद से पिक्सल लैब एप्लीकेशन के अंदर। बट इससे पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइस जैसे ही आप पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे यहाँ पे न्यू टेक्स्ट का एक बॉक्स मिलेगा। सो सबसे पहले हमें इस बॉक्स को डिलीट कर देना है। लेफ्ट साइड में यहाँ डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, देन आपको यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइस यहाँ पे हमें एक शेप ऐड करना है। शेप ऐड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ शेप पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स ऐड होगा, बट आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से सर्कल ले लेना है। देन आपको यहाँ से इसकी कलर को ब्लैक कर लेना है और यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। वेल सर्कल को ऐड करने के बाद यहाँ पे जो हम लोगो बनाने वाले हैं ये काफी इजी है इस तरीके का लोगो बनाना। बेसिकली ये टेक्स्ट बेस्ड लोगो होता है, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड करेंगे। जिस भी नेम से हम लोगो बनाना चाहते हैं उस नेम का हम इनिशियल लेटर यूज करेंगे यहाँ पे। जैसे कि मैं डीपी से लोगो बनाया हूँ, तो यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक करना है। न्यू टेक्स्ट का बॉक्स ऐड होगा, इस पे डबल टैप करना है और यहाँ पे आप जिस भी लेटर से लोगो बनाना चाहते हैं वो आपको ले लेना है। यहाँ पे आप स्मॉल लेटर लेंगे तो जो मैं फॉन्ट इस्तेमाल करूंगा आज के इस लोगो को बनाने के लिए उस पर अच्छे तरीके से फिट होगा। जैसे कि मैं यहाँ से स्मॉल डी और पी ले लेता हूँ। बेसिकली ये जो लोगो है एचपी लोगो से इंस्पायर्ड है। एचपी का जिस तरीके का लोगो है उसी तरीके का हम आज लोगो बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं डीपी ले लेता हूँ, ओके पे क्लिक करना है, डन पे क्लिक करके और यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ से जो आपने टेक्स्ट ऐड किया है इसको बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद डायरेक्टली हम इसके फॉन्ट को चेंज करेंगे। बस फॉन्ट का ही सब खेल है। तो यहाँ आपको ए वाले आइकन पे क्लिक करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको ए बी फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके सिंपली आपको यहाँ माई फॉन्ट के सेक्शन में आना है। और यहाँ पे एक फॉन्ट है हाइड्रो स्क्वाड करके, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। फिर आपको यहाँ पिक्सल लैब में ऐड करके इस फॉन्ट को सेलेक्ट करना है, देन आपको यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर आना है, यहाँ पे आपको पैडिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आपको यहाँ से लेफ्ट पैडिंग और राइट पैडिंग को हमें बढ़ा लेना है। इससे हमारा जो टेक्स्ट होगा वो साइड से कटेगा नहीं। अगर आपका कट रहा हो तो ऐसे पैडिंग को इंक्रीज कर लेना, देन आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद गाइस यहाँ से हम इसकी साइज को बड़ा कर लेंगे लाइक दिस, देन आपको इसे सेंटर में अच्छे से प्लेस कर देना है। इसके बाद गाइज आपको यहाँ लेयर पे टैप करना है, देन आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करके इन दोनों बॉक्सेस को चेक मार्क करना है। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना है। ऐसा करने से आपका ये दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ हेक्सागोनल सेक्शन में आना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको इरेज कलर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके सिंपली आपको इसे इनेबल कर देना है। जैसे आप इनेबल करेंगे यहाँ से व्हाइट कलर जो होगा वो ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएगा। अच्छे से इरेज करने के लिए यहाँ पे आपको टॉलरेंस का ऑप्शन मिलेगा, जिसे आपको बढ़ा लेना है। इससे आपका व्हाइट कलर अगर थोड़ा बहुत रह भी गया होगा एजेस पे तो वो अच्छे से रिमूव हो जाएगा। देन आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके शेप्स पे क्लिक करना है और यहाँ से इस व्हाइट वाले बॉक्स को छोटा करके इसके ऊपर प्लेस कर देना है। देन आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको क्या करना है, यहाँ लेयर पे टाइप करके इस वाले आइकन पे क्लिक करके जो हमने यहाँ पे एक डॉट ऐड किया इसको भी यहाँ से चेक मार्क करके यहाँ पे हमें इसे मर्ज कर लेना है। आपस में मर्ज करने के बाद गाइज यहाँ पे हमें अब इसके टेक्सचर को चेंज करना है। सो जैसा कि आपने देखा थंबनेल पे मैं दो तरीके का टेक्सचर यूज किया हूँ, एक मेटल टेक्सचर में लोगो बनाया हूँ और एक वुडन टेक्सचर में। सो जो भी टेक्सचर आप चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लोगो को बनाने के लिए, मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। जितने भी फाइल इवन इस्तेमाल किया हूँ इस लोगो को बनाने के लिए सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो टेक्सचर ऐड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ स्क्रॉल करके ऊपर आना है, यहाँ पे आपको टेक्सचर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके यहाँ इमेज वाले आइकन पे क्लिक करना है और आपको अपनी डिवाइस की गैलरी से जो वुडन टेक्सचर या फिर मेटल टेक्सचर जिस भी टेक्सचर में आप बनाना चाहते हैं वो दिया हुआ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से ये मेटल टेक्सचर ले लेता हूँ, देन आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। राइट पे क्लिक करने के साथ ही ये मेटल टेक्सचर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अच्छे से ये नहीं हुआ है तो आपको यहाँ फिर से टेक्सचर पे क्लिक करके यहाँ से मेंटेन रेशियो को इनेबल कर देना है, देन आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद गाइज यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमने शेप बनाया है लोगो बनाया है इसके अंदर 3D शेप ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 3D शेप पे क्लिक करके इसे इनेबल कर देना है और डेप्थ को 1 या 2 कर लेना है, 2 ही रखना आप, अच्छा रहेगा। देन आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइज यहाँ पे हम शैडो इफेक्ट ऐड करेंगे अपने लोगो के अंदर। सो यहाँ पे आपको शैडो का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके इनेबल कर लेना है और शैडो की जो डायरेक्शन है वो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में हमें कुछ इस तरीके से आपको करके सिंपली आपको यहाँ राइट पे क्लिक करना है। अब फाइनल स्टेप में आपको यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज करना है। सो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए सिंपली आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है और यहाँ पे बैकग्राउंड में भी हम कोई मेटल टेक्सचर ही लेंगे। तो यहाँ से मैं इस वाले आइकन को फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है।
वेल बैकग्राउंड चेंज करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे एक लाइट का साइन दिखेगा, इस पे क्लिक करके आपको यहाँ से ब्राइटनेस को कम कर लेना है। इससे आपका लोगो जो है अच्छे तरीके से हाईलाइट होगा बैकग्राउंड थोड़ा डार्क हो जाने की वजह से। देन आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। सो गाइस यहाँ पे जो हमारा लोगो है वो कम्प्लीटली बन गया है। आपने देखा कितना आसान था इस लोगो को बनाना। आई होप कि आप में से हर कोई इस लोगो को बना लिया होगा। अगर आप में से अभी भी किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग मुझसे प्रोफेशनली अपने ब्रांड बिजनेस या फिर यूट्यूब के लिए लोगो, इंट्रो, आउट्रो, बैनर, प्रोमोशनल वीडियो या फिर नया चैनल क्रिएट करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्प्ले से साथ में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वेल लोगो बन जाने के बाद लोगो को सेव करने के लिए सिंपली आपको यहां सेव वाले आइकन पे क्लिक करके सेव एज इमेज पे क्लिक करना है। देन आपको यहां डायमेंशन में कस्टम दिखेगा, इस पे क्लिक करके अल्ट्रा सेलेक्ट करना है। इससे आपको हाई क्वालिटी में लोगो मिलेगा। देन आपको यहां सेव टू गैलरी पे क्लिक करके सेव कर लेना है। सो गाइस फिलहाल के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।